हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर कवर कर दिए हैं, वो लेक्चर थे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो उसके मैंने चैप्टर के एक्सरसाइज वाई एक्सरसाइज लगभग 7 लेक्चर थे, तो वो मैंने टोटल कवर कर दिए। तो आप पहले 7 लेक्चर जो हैं उन्हें अच्छी तरह से देखेंगे, तभी आज का लेक्चर आपकी समझ में आएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हर क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज के किसी ना किसी एक्सरसाइज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको प्लीज इस लेक्चर से पहले 7 लेक्चर आपको देखने होंगे। आज मैं 8 लेक्चर बता रहा हूं, और ये एक्सरसाइज कौन सी है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी मैं डेफिनेशन, इसका वर्किंग रूल, इसकी पहचान सब बता के चलूंगा आपको, और फिर यहां पर कम से कम 5 या 6 एग्जाम्पल भी दूंगा। और ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल हैं जो हर राइटर की बुक में मिलते हैं, चाहे कृष्णा की हो, चाहे केदारनाथ रामनाथ की हो, चाहे प्रगति प्रकाशन की हो, चाहे एसएस सेठ वगैरह किसी की भी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, पहले वो लिखते हैं। यहां x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस पी वन एक्स की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस पी टू एक्स की पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस पी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री डी एन माइनस थ्री वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस पी फोर वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स। कहने का मतलब ये है, यहाँ एक्स की पावर 3 हो तो यहाँ 3 ही होना चाहिए। P1 की जगह पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है प्लस माइनस में, और ये कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ X। यहाँ इसकी जगह पर स्मॉल x, log x, cos x कुछ भी हो सकता है, cos log x, तो मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी जो पहचान है आपको, जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ, यहाँ x की घात 3 हो तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 5, 10 कुछ भी हो सकता है, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो कितनी होगी 2, 2, फिर यहाँ 1, 1, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5, फिर यहाँ 4, फिर 3, 2, ऐसे ही बढ़ेगी। तो आप समझ लेना कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ऐसी कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या है, वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, P1, P2, P3, P4 आर कॉल्ड कांस्टेंट, कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ X, और ये इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर P1, P2, P3 are constant and capital X is the function of small x। ये तो मैंने एक किताब की डेफिनेशन लिख दी आपके लिए। ठीक है, ये सब बकवास है, अब मैं अपना नियम बताऊंगा। चलिए, तो मैं बता रहा हूं, यहां x की घात 3 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, यहां प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, 5 लिख दिया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 7x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू, मैंने यहां एक्स स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर। देख लो, यहां 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1, और फिर केवल y में, देख लो, फिर केवल y में, यहां p1 की जगह पर 5, यहां माइनस 7 p2 की जगह पर, यहां p4 की जगह पर क्या है, 5। कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, यहां मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो आपको पहचानना होगा ये होमोजीनियस है, तो आप कैसे लिखेंगे वर्क इसका, वो बता रहा हूं। तो जब आपके सामने ये आ जाए तो आप लिखेंगे विच इज होमोजीनियस, लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड, दैट इज जेड इक्वल टू लॉग एक्स। तब यहां एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड है, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करूं तो ई की पावर 2z, ये बताऊंगा अभी आपको। अब इसको कैसे खोलोगे ये भी तो देखना है, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे आप खोलोगे ऐसे, डी वाई,
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसे खोलोगे डी डी माइनस वन वाई, एक्स क्यू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, तो इसे खोलोगे डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई ई टी सी। अब तो खोलना सीख गए, इसको केवल डी वाई, इसको डी डी माइनस वन, तीन आएगा तो कैसे खोलोगे डी डी माइनस वन डी माइनस टू, अगर यहाँ चार होता तो डी ब्रैकेट में डी माइनस वन फिर डी माइनस टू फिर डी माइनस थ्री, ठीक है। अब आइए यही बता रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पहले ही लिखा है एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड। अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूँ दोनों ओर, तो यहाँ स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई होती है, मैं तो x की पावर माइनस पाँच कर रहा हूँ, चलो x की पावर मैंने यहाँ कर दिया माइनस फाइव, तो यहाँ कितना होना चाहिए माइनस फाइव जेड। मैं तो यहाँ कर रहा हूँ x की पावर थ्री, तो आप कर दोगे e की पावर थ्री जेड। मैं कर रहा हूँ यहाँ x की पावर माइनस वन, तो आप कर दोगे e की पावर माइनस जेड। तो ये क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऐसी होती है, पी वन पी टू क्या होते हैं, ये कॉन्स्टेंट है, ये कैपिटल x इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x, और इसका मैंने अपनी तरफ से लिखा। तो तीन को कैसे खोलते हैं, दो को कैसे खोलते हैं, एक को कैसे खोलते हैं, और y का कोफिशियंट, ये वर्किंग रूल है। जब आपको पता पड़ जाए कि ये होमोजीनियस है, तो आप लिखेंगे विच इज होमोजीनियस, पूरी स्पेलिंग लिखना आप, लेट x इक्वल e की पावर z, दैट इज z इक्वल क्या होगा, ये इधर गया तो log x, इसके अकॉर्डिंग हम अब चलेंगे, जो भी आंसर आएगा वो z में आएगा, फिर बाद में z की जगह पर आप क्या लिख देंगे log x, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, यहाँ टू वन वन और फोर वाई, तो हमको मालूम पड़ गई ये होमोजीनियस इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो आप कैसे लिखेंगे विच इज होमोजीनियस। जब होमोजीनियस है तो लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड, दैट इज जेड इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स इक्वल ई की पावर जेड, तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब इसे मैं कैसे लिखूंगा, अभी बताया था यहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर को डी डी माइनस वन, माइनस के थ्री है ही, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को केवल डी, प्लस के वाई का कोफिशियंट फोर और बाहर वाई टू, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अगर यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो गया ई की पावर टू जेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ जेड में बन गया, अब यहाँ एक्स नहीं है, जो भी आंसर होगा वो केवल जेड में होगा, और बाद में आप चेंज कर लेंगे। इससे पहले आपको चैप्टर के पहले लेक्चर आने चाहिए, वो सभी लेक्चर की पीआई इसमें यूज होगी। तो ये डी स्क्वायर माइनस के डी माइनस थ्री डी प्लस फोर बाहर वाई इक्वल टू टू ई की पावर टू जेड, डी स्क्वायर माइनस के फोर डी प्लस फोर बाहर वाई इक्वल टू टू ई की पावर टू जेड। अब ये एक क्वेश्चन हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये बन गया एम माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू टू कोमा टू, तो सी एफ आप कैसे लिखेंगे सी वन प्लस सी टू जेड बाहर ई की पावर टू जेड, वहां x में पढ़ाया था लेकिन अब z में है। अब pi निकालिए, तो 1 अपॉन इसको हम कैसे लिख सकते हैं d माइनस टू का होल स्क्वायर 2 इंटू ई की पावर 2z। अगर मैं यहां z का कोफिशियंट 2 रखूं तो pi 0 आ रही है, ऐसी कंडीशन में मैंने फॉर्मूला बताया था z की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हमारा है e की पावर 2z। चलिए लिखे देता हूं फॉर्मूला, डी माइनस अल्फा ई की पावर अल्फा जेड, यहाँ एन, अगर यहाँ जेड का कोफिशियंट रखेंगे तो जीरो आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हुआ जेड की पावर एन फैक्टोरियल एन ई की पावर अल्फा जेड, अल्फा की जगह पर यहाँ टू है, देखो टू, और एन यहाँ वन है, और यहाँ एन की जगह पर कितना है टू है, केवल एन इक्वल टू अल्फा इक्वल टू, इस टू से ये कट गया, बचा जेड स्क्वायर ई की पावर टू जेड, ये आपका पी आई y इक्वल सी एफ प्लस पी आई, दिस इंप्लाई सी एफ कहाँ है c1 वन प्लस सी टू जेड बाहर e की पावर 2z, pi पहले इसे लिख दो e की पावर 2z इंटू जेड, आंसर आने के बाद तब बदलेंगे आप z को x में, कैसे वो देखिए,
वाई इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, जेड की जगह पर क्या बताया था, लॉग एक्स, ई की पावर टू जेड है, तो ई की पावर टू जेड करूंगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस यहां क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और जेड की जगह पर क्या हुआ लॉग एक्स। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, यहां तीन है तो तीन है, यहां टू है तो टू है, फिर वाई का कोफिशियंट। जब ये दोनों सेम होते हैं तो वो क्या बताया था मैंने, होमोजीनियस। तो आप लिखेंगे विच इज होमोजीनियस, लेट x इक्वल टू e की पावर z, तो z इक्वल टू क्या होगा log x। अब इसे खोलिए, इसको मैं कैसे लिखूंगा, d d-1 d-2, इसको मैं कैसे लिखूंगा 2 d d-1, प्लस y का कोफिशियंट और बाहर y इक्वल टू 10, x की जगह पे आप क्या लिखेंगे e की पावर z प्लस 1 अपॉन e की पावर z। यहां e की पावर z और यहां भी e की पावर z, बस अब लेक्चर 7 तक जो जिस पे आते हैं उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, इसीलिए पूरे लेक्चर अच्छी तरह से आने चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डी क्यू माइनस 3d² प्लस के 2d प्लस 2d² माइनस के 2d प्लस 2, बाहर y इक्वल्स टू 10 e की पावर z, 10 e की पावर माइनस z, बस यहां 2pi बन जाएंगी और कुछ भी नहीं। इसे सॉल्व करिए, डी क्यू माइनस के डी स्क्वायर, इससे ये कट गया, प्लस के 2, बाहर y इक्वल्स टू 10 e की पावर z, e की पावर माइनस z। अब ये एक क्वेश्चन बन गया, इसका जो भी आंसर आएगा z में आएगा, ये ध्यान रखना है, बस आप लेक्चर पिछलों की तरह x लिख दें क्योंकि यहाँ सिर्फ z है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन एम क्यू माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इसके फैक्टर करने होंगे, m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 1 रखिए यहाँ, तो यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब m प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करिए, m प्लस 1 एम क्यू माइनस एम स्क्वायर प्लस 2, कई बार जाएगा m स्क्वायर बार, करिए मल्टीप्लाई, एम क्यू प्लस एम स्क्वायर, ये माइनस कट गया, माइनस के 2m² प्लस के 2, अब माइनस के 2m बार जाएगा, करिए इसमें मल्टीप्लाई, 2m² माइनस के 2m, ये प्लस कितना बचा, यहाँ लिख रहा हूँ 2m प्लस के 2, अब कई बार जाएगा 2 बार, मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2m प्लस के 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस, ये कट गया, क्या आ गया 0। अब इसके फैक्टर एक तो m प्लस 1 और एक ये आ गए, तो मैं यहाँ फैक्टर लिख रहा हूँ m प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके तो फैक्टर हो गए m इक्वल टू 1, इसके फैक्टर आप कैसे करेंगे, यहाँ तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 1, इधर देखिए m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे मैं सेमी क्वाड्रिक फॉर्मूला से करूंगा, आप नया नाम जान लीजिए, इसे मैं बीपीचार्य से भी कर सकता हूं और इसे क्वाड्रिक फॉर्मूला यानी श्रीधराचार्य से भी कर सकता हूं। तो देखिए मैं अब यहां लगा रहा हूं सेमी क्वाड्रिक फॉर्मूला, आधा क्वाड्रिक, कैसे, ये एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 और 1 2 ही हो गए, ये क्या बन गया इतना m माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले गई माइनस 1, दिस इंप्लाइज m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया i स्क्वायर, तो m माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस i, दिस इंप्लाइज m इक्वल टू 1 प्लस माइनस i, तो m की वैल्यू एक तो आई माइनस 1 और एक आई ये, तब m की वैल्यू आपकी आई माइनस 1 1 प्लस माइनस i। ऐसी कंडीशन में आप CF कैसे लिखेंगे, लेक्चर 1 से संपर्क करना है, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया है। तो CF C1 e की पावर माइनस जेड, इसको प्लस इसे कॉमन लेते हैं, C2 cos z प्लस C3 sin z, ये आपकी CF रही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें PI निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके ये फैक्टर हुए
ये वाले फैक्टर हुए, तो इसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे इसको, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पहले, डी क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस टू टेन ई की पावर जेड प्लस टेन ई की पावर माइनस जेड। इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे बच्चों बाई फैक्टर, एक तो ये बन गया एम प्लस वन, इसकी जगह पे लिखूंगा डी प्लस वन, एक ये बन गया डी स्क्वायर माइनस के टू डी प्लस के टू टेन ई की पावर जेड टेन ई की पावर माइनस जेड। इसके मैंने ये फैक्टर कर दिया क्योंकि यहां देख लिया था, अब अलग अलग इन्हें कर दीजिए। तो सबसे पहले वन अपॉन डी 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 प्लस वन और डी स्क्वायर माइनस के टू डी प्लस टू टेन ई की पावर जेड प्लस, अलग अलग फिर कर दो, डी प्लस वन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू टेन, इधर लिख दो, चलो यहीं लिख दो टेन ई की पावर माइनस जेड। अब यहां जेड का कोफिशियंट सब में रख दीजिए, यहां रखेंगे आप वन और वन टू, यहां रखेंगे वन, यहां रखेंगे माइनस टू प्लस टू, और ये टेन ई की पावर जेड। ई की पावर जेड में जेड का कोफिशियंट सब जगह रखते हैं, बशर्ते वो जीरो नहीं आना चाहिए। अब आप माइनस रखिए वन अपॉन, यहां माइनस तो मैं नहीं रख सकता, पी आई जीरो आ जाएगी, तो इसे बचा लीजिए आप। यहां तो रख सकते हैं, यहां माइनस रखोगे वन, यहां माइनस रखोगे प्लस टू प्लस टू, और टेन को मैं यहां लिखे देता हूं ई की पावर माइनस जेड। अब इसे सॉल्व करिए, इस टू से टू कट गया, इस टू बन जा टू, और टू से ये फाइव बार फाइव ई की पावर जेड प्लस ये टू प्लस टू फोर और वन फाइव, फाइव से ये कई बार कट गया ऊपर टू बार डी प्लस वन ई की पावर माइनस जेड। अब ये फॉर्मूला जो अभी पहले में बताया था वो फॉर्मूला यूज हो रहा है, कैसे, क्योंकि जेड का कोफिशियंट यहां रखने पर जीरो आ रहा है, तो इसकी पावर वन, आगे ही बढ़ाते हैं, फाइव ई की पावर जेड ये वाला प्लस टू, इसे कैसे लिखेंगे, जेड की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन ई की पावर माइनस जेड। अभी लिखा था जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन ई की पावर अल्फा जेड, ये पी आई आपकी हो गई, वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो वाई इक्वल टू सी एफ कहाँ है, ये रहा सी वन ई की पावर माइनस जेड प्लस ई की पावर जेड अंदर सी टू कॉस जेड प्लस सी थ्री साइन जेड प्लस पी आई लिखिए, फाइव ई की पावर जेड प्लस के टू जेड ई की पावर माइनस जेड। अब यहाँ जेड की जगह पे आपको क्या रखना है, यही देख लीजिए, जेड इक्वल लॉग एक्स, तो यहाँ रखेंगे अब हम, ठीक है, तो रखते हैं, यहाँ कितना हो गया सी वन एक्स की पावर माइनस वन प्लस एक्स अंदर यहाँ सी टू कॉस जेड की जगह पर आप लिखेंगे लॉग एक्स प्लस सी थ्री साइन जेड की जगह पर लिखेंगे आप लॉग एक्स प्लस फाइव ई की पावर जेड की जगह पर आप एक्स प्लस टू जेड की जगह पर आप लॉग एक्स लिखेंगे और ई की पावर माइनस जेड की जगह पर एक्स इनवर्स, तो मैं ये ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, बात एक ही है, यही आपका आंसर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी वन अपॉन एक्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, विच इज होमोजीनियस, लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स। ये इतनी लाइन तो हर क्वेश्चन में लिखनी है क्योंकि होमोजीनियस है। इसे खोलिए तो डी डी माइनस वन डी माइनस टू प्लस थ्री, इसे खोलिए डी डी माइनस वन, इसे खोलिए प्लस डी, वाई का कोफिशियंट और बाहर y इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या लिखोगे e की पावर z और log x की जगह पर z, तो e की पावर z इंटू z। अब यहां मल्टीप्लाई हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आप pi कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले cf निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए डी क्यू माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस के टू डी प्लस थ्री डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस के डी प्लस वन बाहर y इक्वल टू ई की पावर जेड इंटू जेड, ये इससे कट गया और टू और वन थ्री से थ्री क्या बचा डी क्यू प्लस वन बाहर y इक्वल टू ई की पावर जेड इंटू जेड। ये अब क्वेश्चन तैयार, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन,
ये बन गया एम क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर बन गए ए क्यू प्लस बी क्यू से, तो इसके फैक्टर बने एम प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू माइनस वन। इधर से एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, चलो मैं मिटा दिया इसके फैक्टर। अब इसके आप श्रीधराचार्य से कर सकते हैं या बीपीचार्य से, तो बीपीचार्य जो फॉर्मूला है वो जल्दी हो जाता है। आइए उसका रूल बताता हूँ, अगर समझ में ना आए तो आप सर्च कर लेना बीपीचार्य बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो आ जाएगा निकल कर। तो कैसे करते हैं बीपीचार्य से, एम इक्वल्स टू एम का जो कोफिशियंट होता है उसका हाफ लेते हैं और साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का हाफ हो गया, और अगर प्लस होता तो माइनस का हाफ हो जाता। तो यहाँ प्लस का हाफ प्लस माइनस अंडर रूट में जितना यहाँ आंसर आता है इसका स्क्वायर करते हैं। ये मैंने स्क्वायर कर दिया अंडर रूट के अंदर। यहाँ जो बचता है सी की जगह पर इसे माइनस करते हैं। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो प्लस कर देते, लेकिन यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, माइनस वन। आगे बढ़ाइए, वन अपॉन टू प्लस माइनस, चार में से एक गया तो माइनस के तीन बटे चार। एम इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस माइनस, माइनस है तो आई आएगा बाहर, आई अंडर रूट तीन, चार है तो बाहर कितना आएगा दो। तो एम की वैल्यू ये हो गई और एक ये रही। तो आप सी एफ कैसे लिखेंगे, पहले इसे लिख देते हैं सी वन ई की पावर माइनस जेड। अब इसे कैसे लिखेंगे, ई की पावर एक बटे दो जेड, सी टू कॉस अंडर रूट तीन बटे दो जेड प्लस सी थ्री साइन अंडर रूट तीन बटे दो जेड। तो ये आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब निकालते हैं पी आई, चलिए पी आई देखते हैं, पार्टिक्यूलर इंट्रीगेशन वन अपॉन डी क्यू प्लस वन और यहाँ जेड इंटू ई की पावर जेड। इसको इधर से इधर लाते हैं ई की पावर जेड, तो डी की जगह पे जेड का कोफिशियंट प्लस हो जाता है, तो क्या है डी प्लस वन का क्यू प्लस वन, यहां रह गया जेड। अब आपको ये खोलना है पहले तब सॉल्व करना है। अब इसे ए प्लस बी का होल क्यू से खोलेंगे, तो ई की पावर जेड ये डी क्यू प्लस वन प्लस थ्री डी ब्रैकेट में डी प्लस वन और ये प्लस वन है ही, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ई की पावर जेड डी क्यू प्लस वन प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस के थ्री डी प्लस वन जेड। आप ई की पावर जेड डी क्यू प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस के वन और वन टू इंटू जेड। यहां मुझे वन बनाना है क्योंकि यहां जेड है, तो टू कॉमन लीजिए, वन अपॉन टू ई की पावर जेड, यहां वन प्लस थ्री डी अपॉन टू प्लस थ्री डी स्क्वायर अपॉन टू प्लस डी क्यू अपॉन टू ऊपर ले गए इंटू जेड। खोल दीजिए इसे, ई की पावर जेड वन माइनस थ्री डी अपॉन टू प्लस थ्री डी स्क्वायर अपॉन टू माइनस और माइनस के डी क्यू अपॉन टू। जितनी ही आप पावर होती है उतने ही तक खोलते हैं, इसीलिए तो कहा था पहले लेक्चर आप जरूर देखना। चलिए वन अपॉन टू ई की पावर जेड, जेड की इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें करोगे डी मीन्स इसका डिफरेंशियल वन बार, तो माइनस के थ्री अपॉन टू वन हो गया, दो बार डिफरेंशियल करोगे जीरो, तीन बार करोगे जीरो। ये आपकी पी आई रही। वाई इक्वल टू क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, तो वाई इक्वल टू सी एफ कहाँ है, सी वन ई की पावर माइनस जेड प्लस ई की पावर हाफ जेड, सी टू कॉस अंडर रूट तीन बटे दो जेड, सी थ्री साइन अंडर रूट तीन बटे दो जेड प्लस पी आई कहाँ है ही एक बटे दो ई की पावर जेड, एक बटे दो ई की पावर जेड ब्रैकेट में जेड माइनस थ्री वाई टू। अब आप जेड की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे लॉग एक्स, यहां मैंने बताया था ये लिख रहा और जेड बराबर लॉग एक्स, तो यहां रखिए ये बन गया सी वन अपॉन एक्स, ये बन गया अंडर रूट एक्स सी टू कॉस अंडर रूट तीन बटे दो लॉग एक्स प्लस सी थ्री साइन अंडर रूट तीन बटे दो लॉग एक्स प्लस, यहां लिखे देता हूं इसकी पी आई ना दिखाई दे रही हो,
एक बटे दो इसको x और भीतर log x माइनस तीन बटे दो। बस अगर आपको न दिखाई दे रही हो तो z की जगह पे क्या रखना है, log x, और e की पावर z की जगह पे x रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होमोजीनियस x और d, तो आप लिखेंगे विच इज होमोजीनियस, लेट x इक्वल e की पावर z, दिस इंप्लाई z इक्वल log x, इसे खोलिए, d d माइनस वन माइनस थ्री इसे खोलिए, प्लस फाइव बाहर y, इसे खोलिए, e की पावर 2z, साइन log x की जगह पर z, क्लियर। ये बन गया d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस फाइव बाहर y इक्वल टू e की पावर 2z इन टू साइन z। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे सेमी क्वाड्रिक से लिख सकता हूं, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया m माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसे इधर ले जाओ, दिस इंप्लाइज m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू i स्क्वायर, तो m माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस i, तो m इक्वल टू हो गया 2 प्लस माइनस i। सेमी क्वाड्रिक से किया है तो इसकी सी एफ कैसे लिखेंगे आप, e की पावर 2z अंदर बाहर, अंदर बचा c1 cos 1z, एक आई आगे 1z प्लस c2 sin 1z, ये इसकी पीआई, आई का कोफिशिएंट लिखते हैं, 1 है तो 1z। आइए आप पीआई कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस 5, यहां e की पावर 2z इंटू sin z, इसे मैं लिख सकता हूं d माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस की 1 e की पावर 2z इंटू साइन z, इसे इधर से इधर लाते हैं तो e की पावर 2z, d की जगह पर d प्लस 2 और ये माइनस 2 है ही, प्लस 1 यहां क्या रह गया साइन z, ये कट गया, e की पावर 2z 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 1 बाहर साइन z। अब देखिए यहां z का साइन हो या कॉस हो, z का कोफिशियंट d स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं, तो यहां माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं, माइनस और 1 का स्क्वायर, तो माइनस प्लस 0, ऐसी कंडीशन में pi कैसे लिखते हैं वो देखिए, तो e की पावर 2z, z अपॉन इसका दूना 2 और ये cos z, और cos z किस में बनता है माइनस में, ये आपकी pi हो गई। y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ कहाँ है, e की पावर 2z, c1 cos z प्लस c2 sin z, पी आई माइनस पहले ले लो, और z अपॉन 2 e की पावर 2z इंटू cos z। अब मैं एक नई बात बताऊं, आप इसमें केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, जगह खाली है इसलिए, वेयर z इक्वल टू log x, बस इतना ही बहुत है, या आप वैल्यू रख सकते हैं जैसे मैं रख रहा हूं, ये बन गया x स्क्वायर c1 cos z की जगह पर log x प्लस c2 sin z की जगह पर log x माइनस, पहले इसे लिख दो, x स्क्वायर अपॉन 2 z की जगह पर log x इंटू cos z की जगह पर log x, तो ये भी आंसर सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी होमोजीनियस है, विच इज होमोजीनियस, लेट x इक्वल e की पावर z, दैट इज z इक्वल log x, इतना तो आपको लिखना ही होगा। अब इसे खोलिए, d d माइनस 1 प्लस 4d, y का कोफिशियंट 2 बाहर y, x की जगह पर e की पावर z, log x की जगह पर z, बस इतना फर्क है कि यहां दो बार pi बनानी पड़ेगी। चलिए मल्टीप्लाई करिए, d स्क्वायर प्लस के 3d प्लस 2 बाहर y इक्वल्स टू e की पावर z प्लस z, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर करने के बाद माइनस 1 और माइनस 2 आएंगे, तो cf c1 e की पावर माइनस z c2 e की पावर माइनस 2z। अब pi देखिए, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 e की पावर z प्लस, अब इसके लिए लिखिए d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 बाहर z। अब कैसे, यहां तो सिर्फ z का कोफिशियंट रखना है हर जगह पर,
और यहाँ मुझे बायनोमल थ्योरम बनानी है क्योंकि यहाँ जेड है, ठीक है। तो यहाँ रखोगे आप 1 + 3 + 2 e की पावर जेड, यहाँ 2 कॉमन लीजिए तो 1 बचा, यहाँ 3d/2 + d² / 2 ऊपर ले गए इनवर्स, ये बन गया 1/5 × 6 e की पावर जेड 1/2, इसे खोलिए 1 - 3d/2 d² / 2, यहाँ जेड की पावर 1 है तो केवल एक बार ही खोलते हैं, द्विपत्र में बायनोमल थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है। 1/6 e की पावर जेड 1/2, जेड की मल्टीप्लाई 1 में करोगे -3/2, d मीन्स इसका डिफरेंशियल 1, d² मीन्स इसका डिफरेंशियल 2 बार करोगे तो क्या होगा 0, एक बार 1 जेड का दोबारा 0, यही आपकी PI है। जनरल सॉल्यूशन में y = CF + PI, CF देखिए e की पावर -z, C2 e की पावर -2z, PI +1/6 e की पावर z +1/2 z - 3y2। अब आप बदल दीजिए, लास्ट में बदलते जब आंसर आ जाता है तो C1 x inverse + C2 x की पावर -2, 1/6 यहाँ x +1/2 log x - 3y2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, होमोजीनियस है तो आप लिखेंगे विच इज होमोजीनियस, लेट x इक्वल e की पावर जेड, दैट इज जेड इक्वल लॉग एक्स। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, d - 1 - d + 4, बाहर y = cos, लॉग एक्स की जगह पर जेड, प्लस एक्स की जगह पर e की पावर जेड, साइन लॉग एक्स की जगह पर जेड। इसकी भी बस 2 PI बन जाएंगी अलग अलग, इतना अंतर है। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, d² - 2d + 4, बाहर y = cos z + e की पावर z sin z। ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 2m + 4 = 0, m² - 2m + 1, यहाँ कितना बचा 3, उसे इधर ले जाओ, ये बना m - 1 का होल स्क्वायर = i² ऐसे लिख सकते हो इसे, i√3 का होल स्क्वायर, i² का क्या होता है माइनस, दिस इंप्लाइज m - 1 = ±i√3, तो m = 1 + −i√3। तो इसकी CF कैसे लिखोगे, e की पावर z अंदर c1 cos√3z + c2 sin√3z। अब हमें क्या निकालना है, PI, तो PI देखिए 1/, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, d - 1 का होल स्क्वायर + k 3 cos z + 1/d - 1 का होल स्क्वायर + 3 e की पावर z · sin z। इसे लिखने में कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो फायदा है, इसे तो पूरा लिख देता हूँ d² - 2d + 4, इसको यहाँ फायदा था, बताऊंगा कैसे। यहाँ जेड का कोफिशियंट d² की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं, तो यहाँ -1² - 2d + 4 cos z, यहाँ से e की पावर जेड इधर आता है तो d की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, d + 1 - 1 पहले से है +3 sin z। आइए इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, कितना बचा यहाँ 4 में से 1 गया, 3 - 2d cos z + e की पावर z, इससे ये कट गया d² + 3 sin z। अब यहाँ मुझे फिर d² बनाना है तो नीचे के कंजुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया 3 + 2d, नीचे 9 - 4d² cos z + e की पावर z, यहाँ भी रखिए -1² + 3, बाहर sin z, जेड का कोफिशियंट d² की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं। अब इसमें यहाँ जेड का कोफिशियंट d² की जगह पर माइनस लगा के रखो, तो ऊपर 3 + 2d, यहाँ इसका कोफिशियंट माइनस लगा के रखेंगे 9 - 4 - −1² −1 का होल स्क्वायर नहीं है, और ये cos z प्लस के यहाँ 2 बचे e की पावर जेड 1/2 sin z। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये माइनस फिर वन का वर्ग है, ध्यान रखना। तो चार और नौ कितने हो गए, 13 है, 1/13। इसकी मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 cos z प्लस 2d cos z प्लस 1/2e की पावर z sin z। चलिए इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, 3 cos z, ये तो ज्यों की त्यों रहेगा, यहाँ है d, तो माइनस के 2 sin z प्लस 1/2e की पावर z sin z। y=CF + PI। CF बताइए कहाँ है, ये रहा e की पावर z C1 cos√3z प्लस C2 sin√3z, PI प्लस के 1/13 3 cos z माइनस 2 sin z प्लस 1/2e की पावर z (sin z)। अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिखे देता हूँ, where z = log x। या तो आप रख लेना या इतना ही बहुत है, करेक्ट आंसर है।